दोस्तों चंद्रयान 3 ने फिर से भेजी पहले से भी ज्यादा भयानक फोटो और चांद की वीडियो। दोस्तों इस समय चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग हो गए हैं और जैसे जैसे लैंडर लैंडिंग करने के लिए चांद की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे चांद का कुछ भयानक रहस्यमय चीजों का खुलासा कर रहा है। और दोस्तों जब से चंद्रयान 3 में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा ने चांद की ऐसी भयानक फोटो और वीडियो कैप्चर किया है तभी से इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। और साथ ही चंद्रयान 3 के लैंडर ने इसरो के पास ऐसा मैसेज भेजा है जिसे देखने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों को भी यकीन नहीं हो रहा है। दोस्तों चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई फोटो और वीडियो दिखाने से पहले हम आपको कुछ जानकारी बता देते हैं। दोस्तों 17 अगस्त दोपहर 1:15 पर जब प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर दोनों अलग हो गए थे तभी विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को धन्यवाद देते हुए इसरो के पास एक मैसेज भेजा है। 14 जुलाई को श्री हरिकोटा से रवाना होने के बाद चंद्रयान 3 ने 3 हफ्तों में कई महत्वपूर्ण चरणों को पार किया है। दोस्तों प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद विक्रम लैंडर की डीप बूस्टिंग के पहले स्टेज को 18 अगस्त के दिन ऑन किया गया और धीरे धीरे इनकी स्पीड को भी कम किया गया। दोस्तों यह प्रक्रिया अभी तक का सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इसके लिए वैज्ञानिकों को काफी सावधानी से काम लेना होगा। और साथ ही आपको बता दें कि विक्रम लैंडर में लगा AI यानी कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी खुद ही डिसीजन लेगा कि चंद्रयान 3 को कहां पर लैंडिंग करना है। यदि चंद्रयान 3 लैंडिंग विक्रम किसी असुरक्षित यानी किसी गड्ढे या उबड़ खाबड़ सतह पर लैंड करने वाला होगा तो उसमें लगा AI सिस्टम उसे उस जगह से किसी दूसरे सुरक्षित जगह पर लैंड करवाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रयान 3 द्वारा ली गई फोटो और वीडियो के बारे में। दोस्तों इस समय जो आप मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं यह वीडियो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन द्वारा लिया गया है जिसमें आपको उबड़ खाबड़ सतह और गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों अगर हमारा चंद्रयान 3 रूस के लूना 25 से पहले चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गया तो हमारा देश चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। और अगर रूस का लूना 25 सही सलामत रहा तो वह चांद पर 22 अगस्त को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। लेकिन यदि लूना 25 में कोई दिक्कत आई तो हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा। दोस्तों यह मिशन का सबसे डिफिकल्ट स्टेज है क्योंकि इसी स्टेज पर आकर चंद्रयान 3 क्रैश कर गया था। वैसे दोस्तों चांद की दुनिया आखिर इतनी भयानक क्यों है? दरअसल बता दें कि चांद पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अंधेरे इलाकों में कुछ एलियन सभ्यता बसे हुए हैं और आज भी डार्क साइड पर एलियन मौजूद हो सकते हैं। हालांकि आज तक किए गए सभी मून मिशन में हमें इनकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांद का वातावरण काफी पतला है और यह हीलियम ऑर्गन सोडियम पोटेशियम से मिलकर बना है। और साथ ही आपको बता दें कि इस इलाके में कभी भी धूप नहीं पड़ता है जिसकी वजह से यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और ऐसे में कोई नहीं जानता है कि यहाँ कौन सा रहस्य छिपे हुए हैं। और इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर चीन और अमेरिका ने पहले ही चांद पर कदम रख दिए थे पर वे चांद के दक्षिण ध्रुवी वाले इलाकों में क्यों नहीं गए? क्या इसके पीछे कोई वजह है जो हमसे छिपा रहे हैं? दरअसल दोस्तों नासा ने साल 1959 से 1972 के बीच अपने अपोलो मिशन के दौरान 12 एस्ट्रोनॉट को भेजा था और इसमें से कई एस्ट्रोनॉट चांद की अंधेरी दुनिया के बारे में हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उनका कहना है कि यहाँ कुछ एलियन सभ्यता बसे हुए हैं। खैर दोस्तों आपको कभी फ्यूचर में चांद पर जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।